अस्सलामुअलैकुम। शहर कैद में सीवरेज लाइन में धमाका हुआ जिसके बायस 12 अफराद जान बहक हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेर शाह प्राचा चौक के करीब ज़ोरदार धमाका हुआ जिसके नतीजे में 12 अफराद जान बहक जबकि 11 अफराद ज़ख्मी हो गए, जबकि करीबी इमारतों और वहां मौजूद गाड़ियों को भी नुकसान हुआ। धमाके के फौरी बाद सिक्योरिटी फोर्सेस और इमदादी टीमें मौके पर पहुंचीं। इमदादी टीमों ने ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जहां उन्हें तिबी इमदाद दी जा रही है। जाए वकूह पर इमदादी सरगर्मियों के दौरान एक और धमाका हुआ, ताहम इसके नतीजे में किसी किस्म का जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। यह धमाका बिजली की तार शार्ट होने के बायस हुआ था। बताया जा रहा है कि 4 ज़ख्मी अफराद की हालत तशवीशनाक है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक ज़ख्मियों के जिस्म के ऊपर वाले हिस्से को नुकसान पहुँचा है और ज़ख्मियों के जिस्म पर सीमेंट और लोहे के ज़र्रात नज़र आ रहे हैं। तर्जुमान कराची पुलिस के मुताबिक धमाका सुई गैस पाइपलाइन में हुआ। बम डिस्पोजिबल स्क्वाड ने तस्दीक की है कि धमाका सीवरेज लाइन में हुआ जिसके बायस नाले पर मौजूद इमारत में कायम निजी बैंक और दीगर इमारतें तबाह हो गईं। आपको मज़ीद बताते चलें कि तहरीक इंसाफ के MPA खुरम शेर जमान ने तस्दीक की है कि धमाके में MNA आलमगीर खान के वालिद भी जहां बाग हुए हैं। आलमगीर खान के वालिद का शेर शाह मार्केट में शोरूम था। फॉर मोर न्यूज़ एंड अपडेट्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।